गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत हम पोएट्री सेक्शन में जो पोयम है उसका नाम है अमांडा, जिसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने, उसको आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उसके भीतर जो मैसेज, एक संदेश छुपा हुआ है इस पोयम के भीतर, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं। इसके ऑथर का नाम है रॉबिन मैकमक्लेन। शी इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब वो एक ऑस्ट्रेलिया की निवासी जिन्होंने बच्चों के लिए स्टोरीज लिखी हुई हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 28 फरवरी 1936 इन कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स। उनका जन्म 28 फरवरी 1936 में न्यू साउथ वेल्स में कैम्पसे में हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और अब वो मेलबोर्न में निवास कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबोर्न। तो रॉबिन क्लेन ने जो पोम लिखी, बहुत बढ़िया पोम लिखी, उसका नाम है अमांडा, और इस अमांडा के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो टीन एज गर्ल्स रहती हैं, जो टीन एज होती है, किशोरावस्था, चाहे वो गर्ल्स की हो चाहे बॉयज़ की हो, लेकिन यहाँ स्पेशली गर्ल्स के लिए किया है क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा रोक टोक करी जाती है। तो टीन एज WHO के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है 10 to 19, यानी 10 से लेकर के 19 वर्ष की जो अवस्था है वो टीन एज कहलाती है। और इसमें उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है, उस कैरेक्टर का नाम दिया उस लड़की का अमांडा। ये अमांडा नाम का जो कैरेक्टर है, ये जो लड़की है, इसको इसकी जो माँ रहती है पूरे समय नैक करती रहती है, पूरे समय हिदायतें देती रहती है, समझाइशें देती रहती हैं, ये करो, ये मत करो, ऐसे बैठो, वैसे चलो, ऐसा खाओ, वैसा करो। तो आप लोग ने भी ये अनुभव किया होगा क्योंकि आप सभी इस समय टीन एज को बिलोंग कर रहे होंगे। तो जब आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर यदि आपको कुछ काम करने को कहते तो आपको हमेशा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी उनकी रोक टोक अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि ये टीन एज होती ही ऐसी है कि जिसमें बच्चा इस दुनिया में भी रहते हुए अपनी खुद की एक इमेजनरी वर्ल्ड, जो एक काल्पनिक दुनिया है, उसमें ज़्यादा रहता है। वो उस कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को सोचता है, समझता है और रहने की कोशिश करता है। तो इसका एक The author describe beautifully in this poem the moods of teen ages. तो यहाँ पर author ने जो है वो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से describe की हुई हैं। तो हम अब इस poem को समझेंगे। Start करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब यहाँ पर उसकी माँ क्या कहती है? Don't bite your nails, Amanda. जनरली क्या करते बच्चे? नाखूनों को ऐसे दांतों से चबाते रहते हैं। तो उसकी माँ बोलती है, नहीं नहीं अमांडा, अपने नाखूनों से, अपने नाखूनों को दांतों से बिल्कुल मत चबाओ, अपने नेल्स को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर, हंच का मीनिंग दिया है टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, मतलब हम अपने कंधों को कुछ ऐसे झुका के ऐसे करके चलते हैं ना, इसको हंच बोलते हैं। तो वो कहती है, नहीं, अपने कंधों को आगे की तरफ बिल्कुल मत झुकाओ अमांडा, अपने कंधों को आगे की तरफ बिल्कुल मत झुकाओ, और स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउचिंग का मतलब होता है जब हम सोफे पर कितने आराम से बिना कोई पॉस्चर के बिल्कुल लेजी ढंग से बैठे रहते हैं, उसको कहते हैं टू मूव लेजीली, मतलब धीरे धीरे लेजीपन से बैठे हैं, कहीं भी हाथ पैर हमारे पास कोई ढंग का पॉस्चर नहीं रहता। तो वो कहती है कि अमांडा क्या है, तुम ऐसे लेजीली मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, एक स्ट्रेट पॉस्चर लेके प्रॉपर बैठो। मतलब यहाँ पर उस लड़की को उसकी माँ हिदायत दे रही कि अपने नाखूनों को मत काटो दांतों से अमांडा, अपने शोल्डर्स को आगे बैंड करके मत चलो, और अच्छे एक प्रॉपर पॉस्चर लेकर के बैठो। अब यहाँ पर जब उसकी माँ हिदायत देती रहती है, उसी बीच में देखो यहाँ पर जो स्टेंजा है वो ब्रैकेट में लिखा है, ये जब माँ उसको उसको हिदायत दे रही, उस समय देखना अमांडा की एक अलग दुनिया चलती रहती है, इसलिए इस स्टेंजा को ब्रैकेट में पोएटिस ने लिखा हुआ है। क्या है, अब जब उसकी माँ उसको समझा रही, उस समय उसकी जो बेटी रहती है वो क्या सोचती है? देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। जब उसकी माँ इस प्रकार का सोच बोलती है, उस समय जो अमांडा रहती है वो उसकी जो काल्पनिक इमेजनरी वर्ल्ड रहता है उसमें क्या रहता, वो कहती है एक बहुत ही शांत एमराल्ड ग्रीन कलर का समुद्र है, और जहाँ पर कोई और नहीं है, सोल इनहेबिटेंट मतलब सिर्फ अकेली मैं हूँ, और मैं कैसी हूँ उस समय, एक मरमेड की तरह हूँ। फेरी टेल्स में जो मरमेड कहलाता है, जिसमें आधी बॉडी क्या रहती है, गर्ल की रहती है और आधी बॉडी फिश की रहती है, उसको मरमेड कहा जाता है। तो कहती कि एक बहुत शांत एमराल्ड
ग्रीन समुद्र के भीतर मैं अकेली हूँ और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे खिसकना, और धीरे धीरे आनंद के क्षणों में मैं उस समुद्र के अंदर गोता लगा रही हूँ, धीरे धीरे उस समुद्र में घूम रही हूँ। माने उसकी दुनिया क्या है, बिल्कुल शांति प्रिय, बहुत आसान सी लगने वाली, बहुत कोई जहाँ कोई रोक टोक नहीं, ऐसी दुनिया में वो रह रही है। तो यहाँ पर उसकी माँ उसको हिदायत दे रही है और वही अमांडा जो है अपनी दुनिया में खोई हुई है। नेक्स्ट पैरा देखें हम। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब यहाँ पर उसकी माँ अगेन फिर से उसको एक बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। जनरली सबके पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं पढ़ाई के लिए कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम व्यवस्थित कर लिया। टाइडी मतलब व्यवस्थित करना, क्योंकि बच्चे हमेशा अपनी बुक्स, कॉपी, नोटबुक सब स्कैटर्ड करके रखते हैं, उनकी पेन पेंसिल कहीं भी पड़े हुए रहते हैं, कहीं भी उनके कपड़े अस्त व्यस्त से उनकी वार्डरोब पड़ी रहती है। तो क्या बोलती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुमने अपना रूम व्यवस्थित कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, और अमांडा देखो तुम्हारे शूज कितने गंदे हैं, मैं सोचती हूँ कि तुमने अब तक अपने जूते साफ कर लिए होंगे। ये कौन कह रहा है, अमांडा की माँ कह रही है। अब कंट्रोवर्सी देखिए, उसी समय अमांडा क्या सोचती रहती है, अमांडा क्या सोचती है उस समय, अमांडा कौन सी दुनिया में रहती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माय हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पर अमांडा फिर से एक नई दुनिया में आ जाती है जहां पर वो ऑर्फन, ऑर्फन का बेसिकली मतलब होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स ना हो। तो वहां पर वो क्या सोच रही है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई रोक टोक करने वाला यहाँ नहीं है। रोमिंग द स्ट्रीट यानी मैं धूल मिली मतलब गलियों में क्या कर रही हूँ, रोम यानी घूम रही हूँ, कैसे भी घूम रही, बस बिना उद्देश्य हीन में घूमती जा रही हूँ। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माय हस्ड बेयर फीट, हस्ड यानी क्वाइट और बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड। तो मैं उस धूल भरी सड़कों पर जा रही हूँ, मेरे पैरों में जूते नहीं है, कोई स्लीपर्स नहीं है, बेयर फीट हूँ, नंगे पैर हूँ मैं, और वहाँ पर मेरे पैरों के क्या बनते जा रहे हैं, पैटर्न बनते जा रहे हैं, मैं पैटर्न भी बनाते जा रही हूँ। पूरे समय जूते क्यों पहनूँ, मैं बेयर फीट चल करके वहाँ पर अपने पैटर्न, बच्चे क्या करते हैं रेत में अपने पैरों के पैटर्न या हाथों के पैटर्न बनाते हैं और उससे खेलते हैं। तो यहाँ पर भी अमांडा वैसा ही फील कर रही है, और फील कर रही है द साइलेंस इज गोल्डन, ये जो शांत अकेलापन उसको मिला है वो कैसा है, सुनहरा है, यहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही है। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो आज़ादी मिली है उसको ये कैसी है, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही मधुरता देने वाली है। अर्थात यहाँ पे अमांडा फिर से कंट्रोवर्जियल उसमें आ रही है अपनी इमेजनरी वर्ल्ड में कि उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं, वो रेत पर अपने पैरों के निशान बनाती जा रही है, उसको शांति बहुत प्रिय लग रही है, उसको आज़ादी बहुत मधुर लग रही है। नेक्स्ट पैरा देखें। अगेन उसकी मम्मा क्या कहती है उसको, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, पेरेंट्स हमेशा बच्चों को ईटिंग मतलब उनकी खाने की हैबिट के बारे में रोक टोक लगाते हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, नहीं तो इससे ऐसा होगा, जनरली करना भी पड़ता क्योंकि बच्चे क्या करते हैं उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर उसकी माँ बिल्कुल जनरली उससे बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। आप चॉकलेट क्यों ना खाएं, तो कहती है रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, हेयर एक्ने मीन्स इज पिंपल्स ड्यू टू ऑयली स्किन, जब स्किन में ज़्यादा ऑयल हो जाता है तो क्या कॉज करता है, पिंपल्स आने लगते हैं, तो वो पिंपल आ रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे अमांडा, इसलिए तुम चॉकलेट मत खाओ। लेकिन अमांडा क्या, वो तो खाती जाती है, ध्यान ही नहीं देती। तो उसकी माँ कहती है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमको क्या कह रही हूँ। कई बार बच्चे पेरेंट्स या एल्डर्स की बात को अनसुना कर देते हैं, तो उसकी माँ क्या कहती है, तुम मेरी तरफ देखो, तुम सुन क्यों नहीं रही हो, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। अब इस समय अमांडा कौन सी इमेजनरी वर्ल्ड में जाती है वो देखते हैं। आई एम रैपंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर जो अमांडा है वो फेरी टेल की जो एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, इसका नाम है रैपंज़ल,
रिपेंजल आपको याद होगा कि एक ऐसी गर्ल की स्टोरी है जिसमें उसके बाल गोल्डन और बहुत लंबे रहते हैं और उसको एक चुड़ैल ने एक बड़े से किले में कैद करके रखा होता है और चुड़ैल उसको हमेशा उसकी माँ बताती है। मतलब रिपेंजल को ये लगता है कि ये ही मेरी माँ है और कोई उससे ना मिल सके, इसलिए माँ उसको उस टावर में, उतने ऊंचे टावर में बंद करके वो जो चुड़ैल रहती वो जाती रहती है अपना काम करती है, एक भी स्टेयर सीढ़ियाँ नहीं लगाती वहाँ। और जब उसको ऊपर आना होता है तो उससे बोलती रिपेंजल थे, तो वो अपने सारे जो लंबे बाल वो नीचे करती है, उसको पकड़ करके उसकी माँ ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर जो अमांडा है वो एक ऐसे कैरेक्टर को फील कर रही है रिपेंजल को कि मैं एक रिपेंजल हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है और मैं कौन सी, मैं जिंदगी के उस टावर में हूँ जहाँ बहुत शांति है और जहाँ कोई नहीं आता जाता, बहुत रेयर वो टावर है, वो मिलता ही नहीं है ऐसा टावर जहाँ पर जी रही हूँ। फिर वो सोचती नहीं, रिपेंजल तो अपनी माँ को अपने हेयर डाउन करके ऊपर बुला लेती थी, लेकिन अगर वो मुझे बुलाएगी भी तो मैं अपने आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं तो अपने लंबे बालों को नीचे करके उस माँ को ऊपर नहीं बुलाऊंगी। मतलब मैं बिल्कुल अकेले रिपेंजल का कैरेक्टर अपनी लाइफ में जीऊंगी और मैं उसको भी ऊपर नहीं बुलाऊंगी। मतलब यहाँ पर भी वो उस फेरी टेल की स्टोरी में भी अपने हिसाब से चेंज करना चाह रही है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पर sulking means to be upset. अब यहाँ पर उसकी माँ जो कोई बार बार इतना नैग कर रही है, इतनी हिदायतें दे रही हैं, तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा अपने आप में अपसेट होने लगता है, उसका मूड डाउन होने लगता है, वो चिड़चिड़ा होता है या फिर थोड़ी सी रोनी सी सूरत बना लेता है। तो उसकी माँ कहती है, अरे अमांडा ऐसे अपसेट मूड में मत बैठो, ऐसे sulking मूड बना के मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम बहुत मूडी हो, तुम्हारा बिहेव जो है वो पूरे समय चेंज होता रहता है। एनी वन वुड थिंकिंग दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, नेग्ड मतलब स्कोल्डेड, यानी कोई भी व्यक्ति मैं बार बार तुमको टोकती हूँ तो कोई ये सोच सकता है कि मैं तुम्हें पूरे समय डांटती रहती हूँ। तो उसको प्यार से स्कीमा समझाती है कि ये सब चीज़ें करना बंद करो, लेकिन बच्चों की तो अपनी दुनिया होती है। तो इसमें जो पोएटिस है उसने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है, उसने बच्चों की भावनाओं को समझने का भी मौका दिया है। तो बच्चों मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप अपनी भावनाएं भी अपने पेरेंट्स को शेयर करें और पेरेंट्स भी आपको समझें, लेकिन आप पेरेंट्स को भी समझें। तो बच्चों यहाँ पर ये पोम यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करें।